डेर स्टूडेंट आई वेलकम यू इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दैप्टर वॉइस एंड टोडे वी आर गोइंग टू लर्न दैसिवॉइस ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर टेंस तो आज हम लोग पास्ट और फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे दिस इज द सेकेंड वीडियो आपने पहला वीडियो जरूर देखा होगा आई होप सो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले पास्ट टेंस का कैसे पैसिव वॉइस करते हैं तो यहाँ मैंने एक तरफ एक्टिव वॉइस लिखा है वो पास्ट टेंस के जितने सेंटेंसेस हैं उसका फॉर्मूला है इसका फॉर्मुला पैसिव वॉइस में कैसे बनता है मैं इसको बता रहा हूं इसमें सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट जो सिंपल पास्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट पास सब्जेक्ट प्लस हैड वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो इसको पैसिव वॉइस में जब हम लोग बदलते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आना है जो पहले ऑब्जेक्ट था सेंटेंस में बनाते समय और जो दूसरा फॉर्मूला का वॉज वेयर है उसको ले आते हैं और इसके बाद भी थ्री लगाकर बायप्लस सब्जेक्ट लिख देते हैं तो इस तरीके से पहला फार्मूला बन जाता है दूसरा फार्मूला को दूसरा ही फार्मूला रखते हैं केवल इसमें बीइंग को जोड़ देते हैं बाकी सारी चीजें सेम होंगी और थर्ड फार्मूले में थर्ड फार्मूला भी सेम ही रहता है केवल चौथे फार्मूले का बिन उठाकर हम लोग ऊपर ले आते हैं बाकी सारा फार्मूला सेम है तो आइए हम लोग देखते हैं इस पर कैसे सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं तो एक्टिव में आप देख सकते हैं

नाउ वी हैव पैसिव वॉइस विदाउट ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो कैसे सेंटेंसेस बनते हैं तो इसमें फॉर्मूला केवल हम लोग वर्ब तक रखते हैं बाय प्लस सब्जेक्ट जो है उसको हटा देते हैं जरूरत नहीं है उसकी तो चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए तो कैसे बनेगा सेंटेंस द पुअर वर हेल्प्ड गरीबों की मदद की गई किसके द्वारा ये पता नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए द पुअर वर बीइंग हेल्प्ड गरीबों की मदद की जा रही थी द पुअर हैड बीन हेल्प्ड गरीबों की मदद की गई थी तो यहां ऊपर में फॉर्मूला मैंने लिखा है उसकी मदद से आप इसको बना सकते हैं यहां ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है ठीक है जिसके कारण यहां केवल द पुअर आ रहा है और किसके द्वारा मदद की जा रही है गरीबों की यह पता नहीं चलता है तब हम ऐसे सेंटेंसेस को इस प्रकार बनाते हैं आइए हम लोग देखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस तो एक तरफ मैंने एक्टिव वॉइस लिखा है दूसरी तरफ पैसिव है तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल फ्यूचर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस भी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस है प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बिन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस तो इसको क्या करते हैं पहले फॉर्मूले को वैसे ही रखते हैं केवल उसमें दूसरे फॉर्मूले का बी ले आते हैं और तीसरे फार्मूले में चौथे फार्मूले का बिन ले आते हैं फ्यूचर टेंस में केवल दो सेंटेंसेस का पैसि होता है सिंपल फ्यूचर का और सिंपल फ्यूचर परफेक्ट का

वह गरीबों की मदद कर चुका होगा और फोर्थ है ही विल हेल्पिंग द वह गरीबों की मदद करता आता रहेगा ये चारों सेंटेंसेस हैं एक्टिव वॉइस के फ्यूचर टेंस के तो आपको ध्यान क्या देना है कि में सिर्फ दो सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है सिंपल फ्यूचर का यानी फर्स्ट का और फ्यूचर परफेक्ट का यानी थर्ड थर्ड सेंटेंस का तो कैसे करते हैं देखिए द पुअर विल बी हेल्प बाय हिम गरीबों की मदद उसके द्वारा की जाएगी यहाँ पे क्या क्या है विल के बाद बिल आ दिया गया है दूसरे फॉर्मूला वाला पुअर विल मदद उसके द्वारा की जा चुकी होगी इसमें फोर्थ सेंटेंस का हम लोग केवल बिन ले आए हैं बाकी थर्ड सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो सेम है तो दिस वे वी कैन मेक द पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस विद हिडन सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट पता नहीं चलता है तो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे जैसे है गरीबों की मदद की जाएगी लेकिन किसके द्वारा पता नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे द पुअर विल बी हेल्प गरीबों की मदद की जाएगी द पुअर विल हैव बिन हेल्प्ड गरीबों की मदद की जा चुकी होगी यहाँ भी पता नहीं चल रहा है तो ये सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस है और फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस है जहाँ सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है तब हम लोग कैसे बनाते हैं सेंटेंसेस हैं। आइए हम लोग इस पार्ट में देखते हैं कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर जो तीनों सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं है। है, लेकिन पहले ही के बाद। ठीक है जैसे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट यहां पर दूसरे सेंटेंस में भी देखिए तीसरे में भी के बाद है तब बिन है दूसरा अगर हेल्पिंग तो उसके पहले ही इसको रखना है पास्ट टेंस में क्या है के के बाद है, के बाद है, है, तब बीन है हैड है, पहले नॉट है तब है। और फ्यूचर में के के बाद तब और विल के बाद तब 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 और इसमें मैंने बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखा है आप चाहें तो लिख सकते हैं क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो प्लस सब्जेक्ट से हम लोग उसको बना लेंगे आइए हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है इसलिए चूंकि हिडन है तो हम लोग ऐसे सेंटेंसेस को देख लेंगे तो उसमें भी बन जाएगा क्योंकि उसमें सिर्फ क्या करना है बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है और कुछ नहीं करना है तो यहाँ कैसे बनाएंगे आई एम नॉट टॉट मुझे नहीं पढ़ाया जाता है आई एम नॉट बींग टॉट मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा है आई हैव नॉट बिन टॉट मुझे नहीं पढ़ाया गया है आई वॉज नॉट टॉट मुझे नहीं पढ़ाया गया आई वॉज़ नॉट बींग टॉट मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा था आई हैड नॉट been टॉट मुझे नहीं पढ़ाया गया था आई विल नॉट बी टॉट मुझे नहीं पढ़ाया जाएगा और लास्ट है आई विल नॉट हैव बिन टॉट मुझे नहीं पढ़ाया जा चुकेगा तो ये आठ सेंटेंसेस सभी हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के ये सारे पैसिव वॉइस हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होने के कारण केवल सब्जेक्ट दिख रहा है और अगर चेंज करेंगे हम लोग उस वाले सेंटेंस को जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है तो उसमें बाय प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए बना देंगे जैसे मुझे राम के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है तो कहेंगे आई एम नॉट टॉट बाय राम मुझे राम के द्वारा नहीं पढ़ाया जा रहा है आई एम नॉट बींग टॉट बाय राम वेरी सिंपल आप इसी तरीके से उसको बना सकते हैं अब हम लोग देखते हैं कि सारे सेंटेंसेस जो हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंसेस का हम लोग येस नो क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं ब्रिंग द हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आना है तो आप पैसिव वॉइस का जो फॉर्मूला है उसमें इज आर एम को शुरू में ले आइए सब में फिर हैज़ हैब जिसमें हैज़ हैब बाहर आ जाएगा वाज वाजवेयर जिसमें वाज वाजवेयर बाहर आ जाएगा ठीक है हैड जिसमें हैड बाहर आ जाएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका फार्मूला तो पहले ही हेल्पिंग वर्ब को केवल लाना है अगर दो हेल्पिंग वर्ब्स उसमें हैं तो पहला ही केवल बाहर आएगा तो आप देख सकते हैं इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थ्री इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वी थ्री तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है येस नो क्वेश्चन यानी वैसे प्रश्न जिसका जवाब हम लोग हा ना में दे सकते हैं तो इसके सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं Am I taught? क्या मुझे पढ़ाया जाता है एम आई बींग टॉट क्या मुझे पढ़ाया जा रहा है मुझे पढ़ाया गया है वॉज आई टॉट क्या मुझे पढ़ाया गया वॉज आई बींग टॉट क्या मुझे पढ़ाया जा रहा हैड आई बीन टॉट क्या मुझे पढ़ाया गया था Will I be taught? क्या मुझे पढ़ाया जाएगा विल आई क्या मुझे पढ़ाया जा चुकेगा तो ये सेंटेंसेज हैं इसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है इसलिए मैंने नहीं लगाया है जैसे क्या मुझे राम के द्वारा पढ़ाया जाता है तो हम क्या कहेंगे एम आई टॉट बाय राम क्या मुझे श्याम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो एम आई बींग टॉट by श्याम तो ऐसे हम लोग बाय लगाकर जो ऑब्जेक्ट है उसको लगा देंगे ठीक है तो इट्स नॉट टफ आइए हम लोग देखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ डब्ल्यू एच क्वेश्चन डब्ल्यू एच क्वेश्चन कैसे बनते हैं पैसिव वॉइस में इसमें भी बहुत आसान है जितने भी हेल्पिंग वर्ड्स हम लोगों ने ये स्नो क्वेश्चन बनाए थे सिर्फ उसके पहले डब्ल्यू एच वर्ड को जोड़ देना है वही यहाँ पे किया गया है डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट जरूरत पड़ने पर नॉट लगाना है तो आप नॉट लगा सकते हैं वहाँ पे प्लस वी थ्री अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो कहाँ नॉट लगाएंगे इसके लिए मैंने ब्रैकेट में इसको लिख दिया है तो आप इस फॉर्मूले को बढ़िया से देख लें आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं आइए हम लोग देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं जैसे है किसे पढ़ाया जाता है तो कहेंगे हु इज टॉट किसे पढ़ाया जा रहा है हु इज बीइंग टॉट फिर है किसे पढ़ाया जा चुका है हु हैज बीन टॉट किसे पढ़ाया गया हु टॉट किसे पढ़ाया जा रहा था हु वाज बीइंग टॉट नेक्स्ट है किसे पढ़ाया जा चुका था हैड बीन टॉट किसे पढ़ाया जा जाएगा हु विल बी टॉट किसे पढ़ाया जा चुकेगा हु विल हैव बिन टॉट तो यहां आप देख सकते हैं लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है जैसे अगर इसमें ऑब्जेक्ट होता और डब्ल्यू एच वर्ड में हु होता तो हम लोग क्या करते हैं जैसे है हु यानी राम को कौन पढ़ाता है तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे बाय होम is राम टॉट इसमें Who के जगह उसको बदलकर बाय होम कर दिया जाता है ठीक है हु इज टीचिंग राम तो इसका बनाएंगे बाय होम इज राम बींग टॉट हैज टॉट राम तो कहेंगे बाय होम हैज राम बीन टॉट ठीक है तो इस तरीके से हु के सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट उसमें हो तो वॉट द पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस in next video thanks for watching students like share and subscribe the channel thank you so much again have a good day